नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में पाठ नंबर 3 कुत्ते की वफादारी के बारे में पढ़ाई करेंगे। कुत्ते की वफादारी पाठ के लेखक का नाम लल्लू भाई रबारी है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के पति जानवर को वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछतावे की नौबत आती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। यहाँ पे कवि ने बताया है कि कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछतावे की नौबत आती है। यहाँ पे कुत्ते और बंजारे की कहानी के माध्यम से इस पाठ में कवि ने स्पष्ट किया है। उत्तर गुजरात के पाटन ज़िले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। यहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। इस कहानी में कुत्ते की समाधि बताई गई है। इस भी जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि कुत्ते की समाधि, यहाँ पर एक सुंदर और हृदय हिला देने वाली कथा दी गई है। आप चित्र में देख सकते हैं, बंजारे का चित्र दिखाई दिया है। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। जूना जमाना नी अंदर व्यापार नो सामान लई जवा अने लावानु काम बंजाराओ करता था। एक बंजारा था, वह अपने ऊंटों पर गौ का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। एक वनजारो हतो, ते पोताना ऊंट ऊपर गामडाओनो माल सामान शहरों में लई जतो अने त्यांथी मिश्री एटले खोड़, गोर, मसाला वगैरह भरी गामडाओ सुधी लई जवानुं काम करतो हतो। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखों रुपया नो व्यापार करतो हतो एटले माटे लोको एने शुं कहता था, लाखो वणजारो। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था, एटले के लाखा वणजारा पण एक सुंदर कूतरो पण हतो। कूतरा बड़ा वफादार था, एटले के कूतरो बहुज वफादार हतो। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुंटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा ले देता था। बंजार अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। इले के कूतरो वफादार प्राणी तो हतो ज। अने ए रात्रे ए वंजारा पासे जे कूतरो हतो एने आजूबाजू पड़ावनी चौकी पण करतो हतो। यहाँ पे लिखा गया पड़ाव की रखवाली करता था, यानी चौकी करतो हतो। जो कोई चोर लूंटारो ए पड़ाव तरह देखाय तो कूतरो भसी भसी अने दूर भगाड़ी देतो। वंजारो पोताना कूतरानी वफादारी थी खूब ज खुश हतो। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया, एले के भारे खोट गई। रुपयों की जरूरत आ पड़ी, एले के रुपयों की खूब जरूर पड़ी। यह राधनपुर के एक शेठ के पास पहुंचा। ये राधनपुर ना एक शेठ पासे पहुंचे, उसने अपनी बात बताई। शेठ ने पोतानी बधीज बात कही। शेठ ने कहा, रुपये तो मैं दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? शेठे कहू कि रुपया तो हूँ आपीश, परंतु तू एना बदला में शू गिरवी मूकीश? गिरवी एटले कोईपण वस्तु आप
आप ही बड़ा। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। लाखो बोलो, सेठ जी मारी पास पूरती फूटी कौड़ी पण नथी, मैं व्यापार में सब कुछ गुमा दिया है, यानी बधूज जे पण कई हतु ये बधु सर्वस्व खोई दीधुं छे। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा। वनजारे उ बोले, मारा वचन पर विश्वास राखो अने मने रुपया आपी दियो, हूँ व्याज साथे तमारी बधीज रकम एक वर्षनी अंदर चूकवी दईश। शेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है, तुम इसे ही जमानत पर जमानत के रूप में दे दो, जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस कर दूंगा। शेठ बोलो, कोई वादो नहीं, पर तुम्हारी पास आ कूतरो छे तो तमे मने ये जमीन ऊपर आपी दो, जारे तमे तू बधा पैसा एम के पाछा आपी दईश त्यारे हूँ कूतरो पण पाछो आपी दईश। एटले के गिरवीनी अंदर शेठ वनजारे कूतरो मुकवानो नक्की करी दीधो। वनजारे को दुख तो हुआ, बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था, रुपये लेकर वह चला गया। थोड़ा दिवस वित्या एले वनजारो तो पोताना कूतराने यो मुकीन जतो रह्यो। वनजारे को दुख तो बहुत हुआ। कुछ दिन बीते, सेठ के यहाँ चोरी हुई, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9:00-2:11 हो गए। कुत्ता वहाँ भोग भोग कर शेर को बताने लगा कि लुटेरे अब आपकी दुकान को तोड़ माल उठा ले गए। इतने के थोड़ा समय पछी शेतना त्यों चोरी थी, कूतराए चोरों नो पीछो करो, दूर जंगल में लई जाई, दूर दूर जंगल में लई जाई, जमीन में डाटी दीधो अने त्यांथी रफू चक्कर थई गया। 9:00-2:11 होने का मतलब है रफू चक्कर थई जाऊ। कूतरो पाछो आयो अने भसी भसी शेठ ने बतावा लाग्यो कि लूटारा आपनी दुकान तोड़ी माल उपाड़ी गया छे। शेठ तो इक्का बक्का ही रह गई। इतले के शेठ स्तब्ध थी गया। इक्का बक्का का मतलब होता है स्तब्ध थी जाऊँ। कुत्ता शेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। शेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वह जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी ही खोदने पर सब सामान निकल आया। कुत्रो ए शेठनू धोतियू पकड़ी आगर खेचवा लगो। शेठ कूतरानी पाछर गया। कूतरो शेठनू धोतियू पकड़ी अने लई गयो आगर जई अने कूतराने शेठ पाछर गया। जो चोरे सामान संताड़ी दो त्यां जई अने कूतराए पोताना पगथी माथी खोदवा लगी। थोड़ू खोदता ज बधो सामान बहार आई गयो, सब सामान निकल आया। शेर की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर उन्हें एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो।
खुश हो गया और मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। आ बधुं जमीन मांथी खोद्यू अने बधो सामान जारे पाछो मळी गयो त्यारे शेठ नो आनंद कोई पार रह्यो नहीं। खूब खुश थई गया ते कूतरा ने प्रेम थी थाबड़वा लाग्या। कूतरा ने वफादारी थी ते मुग्ध थई गया। घेर जई तेमने एक चिट्ठी लखी। शुं कर्युं? एक चिट्ठी लखी अने कूतराना वफादारीथी मुक्त थई एक चिट्ठी लखी घराना पट्टामां बांधी એને પોતાના જવાબદારીથી મુક્ત કરી અને કહ્યું, કૂતરાભાઈ તમે તમારા માલિક લાખા વંજાણી પાસે જઈ શકો છો, તમે મુક્ત છો। કૂતરો ખૂબ ખુશ થઈ ગયો અને પોતાના માલિકને મળવા માટે જલ્દીથી દોડ્યો એટલે ભાગવા લાગ્યો। ઇધર લાખાને ભી વેપાર મેં ખૂબ કમાયા। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते से मेरी जबान काट ली, उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते को माथे पर लाठी का पहाड़ कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अब कुत्ते को मुक्त कर देता हूँ। उसने मेरे घर की चोरी गए सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। ये आप जो ये इधर इतने के आ बाजू लाखों व्यापार में खूब कमाल તે શેઠની રકમ પાછી આપવા માટે એ જ રસ્તેથી પાછો આવી રહ્યો હતો। તેને દૂરથી પોતાના કૂતરાને પોતાની તરફ આવતો જોયો એટલે તે વણજારો ખૂબ નારાજ થઈ ગયો। તે વિચારવા લાગ્યો કે કૂતરાએ મારા વચનનો ભંગ કર્યો છે, એટલે કે જે જવાન છે કાટ લીએ વચનનો ભંગ કર્યો, તેને બેવફાઈ કરી, હવે હું શેઠને શું મોં બતાવીશ। તેને સમજ્યા વિચાર્યા વિના કૂતરાના માથા પર લાઠીનો પ્રહાર કર્યો। લાખાએ જોયું તો કૂતરાના ગળાના પટ્ટામાં એક ચિઠ્ઠી બાંધેલી હતી અને એ ચિઠ્ઠીને ખોલી અને વાંચી તેમાં લખ્યું હતું કે લાખા, તારા કૂતરાએ મને વ્યાજ સહિત બધા જ રૂપિયા પાછા આપી દીધા છે, આથી કૂતરાને હું મુક્ત કરું છું। તેને મારા ઘરેથી ચોરી ગયેલા બધા જ સામાન પાછો અપાવી દીધો છે, ખુશ થઈને મેં જાતે જ એને મુક્ત કર્યો। લાખા ચકિત હો ગયા, વહ ચિલ્લાને લગા, હા એ મેને ક્યા કર દિયા, હા મેને એ ક્યા કર દિયા। વહ કુત્તે કે શવ કો અપની ગોદી મેં લેકર ફૂટ ફૂટ કર લોને લગા, લેકિન અબ પસ્તાને સે પસ્તા હોત ક્યા, જબ ચિડિયા ચૂગ ગઈ ખેદ। લાખો તો એકદમ સ્તબ્ધ થઈ ગયો, ચીસ પાડી કહેવા લાગ્યો, હાય આ મેં શું કરી નાખ્યું। કૂતરાના શબને પોતાના ખોરામાં ઉઠાવી લીધ્યું અને જોર જોરથી રડવા લાગ્યો, પરંતુ નુકસાન થઈ ગયા પછી પસ્તાવાનો કોઈ અર્થ નથી। એટલે કે મિત્રો, ભૂલ કર્યા પછી પસ્તાવાનો કોઈ અર્થ હોતો નથી। જે પણ કંઈ કામ કરીએ એ વિચારીને કરવું જોઈએ। આગળ જોઈએ આપણે, ઉસ વફાદાર કુત્તે કી સમાધિ બનવાઈ વો આજ ભી પાટણ જિલ્લે કે રાધનપુર કે તાલાબ કે કિનારે પર खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तेने ते वफादार कूतरा की समाधि बनावी जे आजे पण राधनपुर तारा ने किनारे ऊभी छे अने ते कूतरा ने वफादारी की कथा आ संसार ने संभळावी छे। तो मित्रों, यहाँ पे लल्लूभाई रबाड़ी ने सुंदर कहानी लिखी है। इस तरह आपको इस कहानी में सब पता चल गया होगा, शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ दो बार अपने नोटबुक में लिख देने का। ओके, थैंक यू।